जय शाह ने इतनी सारी मेहनत करी है सिर्फ इसी वजह से करी है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बने और फिर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को हटवा के कहीं और ले जाए। जय शाह होने नहीं देगा, ये मैं बता रहा हूँ, उसको कोई पर्सनल इशू है पाकिस्तान से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए। आज बड़ा दुख में आ गया हूँ मैं पिछले कोई 3-4 घंटों से ना मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, बताओ क्या क्या वो मैं देख रहा हूँ, बस मैं जय शाह की तस्वीर देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अच्छा कि भाई जय शाह के मसले की बात थोड़ी, हमें कौन सा उससे पर्सनल मसला है भाई। लेकिन खैर न्यूज ये आ गई है निकल के कि जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं और एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो अब वो आईसीसी के चेयरमैन भी बनने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी आ गई है मेरे भाई, ख्वाबों को चकनाचूर करने वाले जो हमारे ख्वाब थे। रिपोर्ट ये आई है कि नवंबर जो भी आ रहा है इस साल का, उस नवंबर तक वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। सीट है एसीसी की प्रेसिडेंट की, वहां से वो रिजाइन करेंगे। अच्छा। उसके बाद जाके वो आईसीसी के चेयरमैन, और मैं कहूंगा कि यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए आईसीसी के चेयरमैन बनना। मावी ऐसी बात नहीं है कि कुछ सालों पहले जो हम कहते थे आईसीसी जो इंडियन लीग काउंसिल, देखो ये बात तो मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट है कि बीसीसीआई ना 70% रेवेन्यू जनरेट करती है आईसीसी को, तो अब क्या करेगी, अब 100% हो जाएगा। तो देखो ये तो फैक्ट की मानने वाली बात है, इसमें कोई जेलिसी की और उसकी बात नहीं है भाई। बीसीसीआई बहुत पैसा देती है आईसीसी को, इंक्लूडेड फिर इनडायरेक्टली आईसीसी पीसीबी को भी पैसा देता है। तो अगर इनडायरेक्टली मैं आपको कहूं तो बीसीसीआई वहां बैठ के पीसीबी को भी पैसा दे रही है इनडायरेक्टली आईसीसी के थ्रू। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, मानने वाली बात है। कुछ अरसे पहले खबर निकल कर आई थी कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडिया के मैचेस होंगे वो होंगे हाइब्रिड प्लेसेस पे, मतलब अलग रेवेन्यू पे होंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं, अब पूरी चैंपियन ट्रॉफी कहीं और होगी। तो इंग्लैंड में हो सकती है, श्रीलंका में हो सकती है, चांसेस ये है। पाकिस्तान को तो देखो वर्ल्ड कप में भी काफी, अगर तुम समझते हो वैसे फेयर अगर हुआ जाए तो ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। यार मैं बताऊं, अब हमारा हक है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी बात करता नहीं हूँ कभी, क्योंकि देखो चलो इंडिया तो नहीं आ रही थी लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन थी कि चलो यार इंडिया नहीं आ रही तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, और काफी टाइम के बाद आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है, या होने वाला था, मैं ये बोलूं सही। हमें ये था कि चलो यार न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में आके खेलेंगी, बेशक इंडिया नहीं खेल रहा, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, बताओ मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको एशिया कप याद है ये वाला, एशिया कप में क्या हुआ है भाई, पाकिस्तान में होना था एशिया कप, इंडिया ने मैचेस कहाँ खेले, कोलंबो के अंदर, और पाकिस्तान को जाना पड़ा खेलने के लिए। तो आप ये सवाल तो कर ही नहीं सकते हो कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो भाई वर्ल्ड कप भी खेलने गया है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने गया है। पीसीबी को चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी के टाइम तक अपनी एक तो हमारा चेयरमैन का नहीं पता ना भाई, पीसीबी का चेयरमैन पिछले 14 महीनों से 14 मंथ से पिछली 3 चेयरमैन बदल चुके हैं आपको पता है, और अभी तक हमारा चेयरमैन कोई नहीं ऑफिशियल, अगर मैं आपको बताऊं पीसीबी का, तो पीसीबी को चाहिए कि भाई कोई एक ऐसा चेयरमैन ले आए जो चैंपियन ट्रॉफी तक चेयरमैन रहे, ताकि अगर वो आगे आईसीसी से बात करे तो आईसीसी को रहे कि यार हाँ इसी ने बात की थी, ऐसा ना हो ना कि एक चेयरमैन अभी बना और फिर आने वाले वक्त में वो चेयरमैन चेंज हो गया तो आईसीसी बोले यार ये कोई और था, वो कोई और बंदा बात करके गया आई दिन ये बंदा कोई बात कोई और करने आया था, अच्छा तुम नया बंदा आ रहा है, कोई और बंदा आ रहा है, चेंज हो जाता है। यही मसाला तो पीसीबी को चाहिए कि अपने कदम इतने मजबूत कर ले कि चैंपियन ट्रॉफी तक के आईसीसी दे दे यार आपको। अच्छा तुम्हारी वैसे क्या ख्वाहिश है कि अब नहीं होनी चाहिए, अब हो ही नहीं थी, जय शाह आ गया है, जय शाह होने नहीं देगा, ये मैं बता रहा हूँ, उसको कोई पर्सनल इशू है पाकिस्तान से। वो बंदे ने भाई बारिशों के मौसम में कोलंबो में मैचेस खिलवा दिए, वो बोल रहा है पाकिस्तान में नहीं होने दूंगा, मैचेस होंगे तो कोलंबो में होंगे, उसने बंदे ने फाइनल भी एशिया कप का वहीं करवाया। चैंपियन ट्रॉफी जो जीतता है उसी के यानी मुल्क में होती है उसके बाद। यार तो वो तो अब यार ये तो पिछले 3 सालों से कंफर्म है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये मामला, असल में देखो गलती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, पीसीबी की भी है, आपने इतने कदम अपने मजबूत किए ही नहीं है यार, आप एशिया कप में आप क्या किया आपने एशिया कप में, चलो एशिया कप तो छोटा टूर्नामेंट था ना यार, आपने उसमें क्या किया, आपको बोलना था कि नहीं यार हम मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेंगे जब हमें दिया है, पाकिस्तान को हेल करने को दिया है, लेकिन आप गए कोलंबो में इंडिया से मैचेस खेलने भाई। लेकिन अब जो हमारी टीम इतनी मावी वीक चल रही है, हमारे चेयरमैन का नहीं पता, पीसीबी की हालत बहुत बुरी है, तो इस हिसाब से तो अब हम लोग शायद कोई आवाज भी नहीं यार। लेकिन बात बताऊं मुझे ना, यकीन करो पर्सनली दुख हो रहा है, मैं प्लानिंग करता था इसके साथ, कर रहा था कि यार हम लोग देखने जाएंगे, मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो फलाना मैच देखने जाएंगे, मजा आएगा, तो मतलब क्या है यार अब। खैर दुबई में भी होते तो पाकिस्तानी अवाम बहुत पहुंच जाती है यार, मेरे हिसाब से ना दुबई में ही होंगे आप शायद, दुबई में। लेकिन हम लोग क्या करें यार, हम गरीब लोग क्या करें जो सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक जा सकते हैं, हम थोड़ी ना दुबई शुबई जा सकते हैं यार, हमें तो प्लान था यार जाएंगे फुल चिल मारेंगे, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, भूल जाओ यार, अब जय शाह आ गया है
मेरे भाई भूल जाओ, दफना दो चैंपियन ट्रॉफी को गड्ढे तो के अंदर। आप लोगों के क्या थॉट्स है कि जेशा जो क्या थॉट्स होंगे? इंडियन तो खुशी होंगे, इंडियन तो बोलेंगे अच्छी बात है तुम्हारे मुल्क में नहीं हो रही। भाई मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान डिजर्व करता है एक टूर्नामेंट आईसीसी का यार। जैसा तू भीख क्यों मांग रहा है? मांग रहा है, अगर कोई देख रहा है वीडियो जैसा को कोई जानने वाला है तो भाई मैं तो उसके भी जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे डीएम करने। मैं माफिया वगैरह मैं माफिया वगैरह मांग रहा हूँ। बोल रहा हूँ भाई जय भाई आप करवा दो यार आईसीसी, बाद में आप बेशक चैंपियन ट्रॉफी आप जीत जाना लेकिन टूर्नामेंट यहाँ करवा दो।